आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू शहर के अंदर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम रघुनाथ मंदिर कहलाया जाता है। हमारी कई वर्षों से ये डिमांड रही है, यहाँ तक कि हमने मेमोरेंडम प्रधानमंत्री साहब को भी भेजा, जम्मू की चीफ मिनिस्टर को भी दिया, डिवकॉम साहब को भी दिया, डीसी जम्मू को भी दिया कि रघुनाथ मंदिर, बावे वाली माता का मंदिर और कोल कंडोली मंदिर का एक बोर्ड बनाया जाए, जैसा कि श्राइन बोर्ड कटरा में बना है जो कि 1986 में हमारे पुराने गवर्नर श्री जगमोहन जी ने बनाया था। और उसके बाद हमारे वैष्णो देवी मंदिर की रोड्स, हर चीज़ की वहाँ पर डेवलपमेंट हुई, जो कि जगमोहन जी को आज भी लोग याद करते हैं। हमारी ये एनएन वोरा जी से, जो कि हमारे तत्काल गवर्नर साहब हैं, उनसे ये अपील है, डिमांड है कि बावे वाली माता रानी का मंदिर, रघुनाथ मंदिर और कोल कंडोली मंदिर का भी एक बोर्ड बनाया जाए जिसके तहत इनकी डेवलपमेंट होगी, इसकी जो भी चढ़ावा इन मंदिरों में आता है इसकी एक प्रॉपर कलेक्शन हो और उस कलेक्शन से इन मंदिरों का देख रेख अच्छे तरीके से हो। जो आज की डेट में इन मंदिरों में मिसमैनेजमेंट चल रही है, कुछ शरारती तत्व लोग इन मंदिरों के अंदर बैठे हुए हैं जो कि हमारे श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं उनको लूटते हैं। ये लूट खसूट टोटली बंद होनी चाहिए, जिसका जितना भी बेचारे की मानता मानती है चढ़ावा देने के लिए वो उतना ही चढ़ावा चढ़ाए, ना कि ये लोग जिस प्रकार लगे हुए हैं श्रद्धालुओं की जेबें काटने के लिए, वैसा काम ना हो, क्योंकि जम्मू को ये लोग बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, आप भी इन तीनों का एक बोर्ड बनाकर जाइए ताकि आपको भी जम्मू की जनता जैसे जगमोहन जी को पुराने कई वर्षों से सारे याद करते हैं, उसी प्रकार आने वाले हजारों सालों में आपका भी नाम याद किया जाए। जय हिंद, जय भारत।